सो गाइस, आप लोग को पता है कि कल ही महाराष्ट्र बोर्ड की न्यूज आई थी और उन लोग ने एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए हैं। 4th मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 12th क्लास के पूरे ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कंटिन्यूअसली कि पढ़ाई कैसे करें, कोई प्लान बता दो, हाउ टू क्रैक बायोलॉजी, हमने बायो अभी तक पढ़ा ही नहीं, क्या करें। सो गाइस, अगर आपको 95+ स्कोर करना है बायो में इन 2 मंथ्स, तो ये वीडियो आपको पूरा पूरा हेल्प करेगा। पूरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताऊंगी, क्या करना है, कौन से दिन क्या करना है, कौन से हफ्ते क्या करना है, एवरीथिंग। सो स्टे विद मी। सो गाइस, पहले तो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हाईएस्ट वेटेज, मीडियम वेटेज, लोएस्ट वेटेज। वेटेज वाइज देखो तो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये 4 चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। और ये चैप्टर अगर आप देखो तो बहुत वास्ट चैप्टर्स है, राइट? पूरा वेटेज अगर अच्छे से करोगे आप तो दिस गिव्स यू अराउंड 16, 26, 36, 37 मार्क्स। ठीक है, आपके 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें से ऑलमोस्ट 37 मार्क्स विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन देखोगे तो अराउंड 24, 25 मार्क्स बन जाते हैं, राइट? यस, 24 मार्क्स। तो ये 4 चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मीडियम वेटेज चैप्टर्स जो है, इसमें बहुत कुछ डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 6, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन एनहांसमेंट, ये 3 चैप्टर में बहुत चीजें डिलीटेड है। तो आपको पढ़ना बहुत कम है और इसका मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, 5, 5, 5, 15 मार्क्स। बायोटेक्नोलॉजी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट उसकी वेटेज भी मीडियम वेटेज है। ये 4 चैप्टर्स आपको देते हैं 20 to 28 मार्क्स। फाइनली आते हैं लीस्ट वेटेज चैप्टर में। अगर आप चैप्टर्स देखो, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस, ये 2 चैप्टर्स सब लोग को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। उसमें से भी मॉलिक्यूलर बेसिस मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, और बायोटेक्नोलॉजी। आप ये 2 चैप्टर्स को अगर हाथ भी नहीं लगा रहे हो तो भी आप पढ़ सकते हो, यस, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इन बायोलॉजी। क्या करना है सब कुछ बताती हूँ, ये चैप्टर्स भी हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो भी बताऊंगी, यस। तो बाकी सारे चैप्टर्स का वेटेज 4, 3, ये ऐसा है। ये नीचे के 3 चैप्टर्स और ये चैप्टर बहुत छोटा, इजी, जनरल नॉलेज वाले चैप्टर्स है, तो ये चैप्टर्स को हम लोग करना ही करना है, राइट? अगर आप लोग पूरा ये देखोगे तो लगेगा बाप रे 15 चैप्टर्स है मैम, 2 महीने भी नहीं है। मेरी स्ट्रेटेजी से पढ़ो, इजी हो जाएगा। देखो, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क के MCQs, 8 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर्स, मतलब एक लाइन में, जैसे कि एग्जाम्पल दे देंगे, पूछेंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किसमें किया, पाइसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट, इतना ही फुल सेंटेंस लिखना है, वो नाम के लिए आपको मार्क्स रहते हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है 2-2 मार्क के लिए, इसमें हमको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, राइट? फिर 3-3 मार्क वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको 6 से 8 पॉइंट्स प्लस डायग्राम बनाना होता है। और फाइनली 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से आपको 3 ही लिखने हैं। यहाँ पे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये नॉर्मली हाई वेटेज चैप्टर्स, जो मैंने 4 चैप्टर्स आपको बताया ना, वहां से आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, ठीक है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, वो 4 चैप्टर्स करने इसलिए है क्योंकि उसके वेटेज और उसके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। ये एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, हमको इसमें 8 से 10 पॉइंट्स लिखने हैं प्लस एक डायग्राम हमेशा ही करना है। इसके बाद मैं आपको वो भी सीरीज बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, एवरीथिंग आपको एक एक करके समझाती जाऊंगी अलग वीडियो में। अभी के लिए पहले तो हमारे पास फर्स्ट 9 वीक्स में हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे, सेकंड 15 दिन में सेकंड रिवीजन, और थर्ड रिवीजन आपकी होगी एग्जाम के पहले जब छुट्टियां मिलेंगी। नॉर्मली बोर्ड्स के एग्जाम के पहले काफी छुट्टी मिलती है, किसी को 4 दिन 5 दिन हर सब्जेक्ट के लिए देते हैं, तो वो टाइम पे हमारा फाइनल रिवीजन होगा। अभी करना क्या है, देखो आज तो चलो हो गया आपका डेट, राइट? आज ऑलरेडी क्या तारीख आ गई है, 17 तारीख है, राइट? अभी अगर आप लोग ये 17 तारीख देख रहे हो, 19 से स्टार्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 19th।
ये वाले एक हफ्ते में हम दो चैप्टर्स करेंगे, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। देखो एक्चुअली ये चैप्टर में तीन टॉप दो टॉपिक्स है, रेस्पिरेशन पूरा एक बड़ा टॉपिक है, सर्कुलेशन एक बड़ा टॉपिक है, तो एक्चुअली ये दो अलग लेसन्स के जैसा ही है। और एक छोटा सा लेसन कर लोगे आप प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये दो चैप्टर्स आपको 12 से 17 मार्क, और अगर टाइम देखो तो मैं आपको पूरा एक वीक बोल रही हूँ। हर एक वीक में आप अगर 2 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे बायो पढ़ रहे हो तो भी ये कवर हो जाएगा। अभी बच्चे पूछते हैं मैम पढ़े कहाँ से। सो गाइस मैं आपको सारी लिंक्स दे दूंगी, मेरे वन शॉट्स रेडी है, पूरा का पूरा 15 चैप्टर का बायोलॉजी मैं 15 घंटों में खत्म कर रही हूँ। 15 आवर्स इज वॉट यू नीड टू गिव मी। 15 आवर्स के मेरे वीडियोस है, आपको वही वीडियोस देखने हैं, मैं लिंक्स सब दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक वीडियो जब आप देख रहे हो तो क्या करना है, वो टाइम पे ही उसके नोट्स बनाने हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती जाऊंगी, और डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पूरा अगर रेस्पिरेशन सर्कुलेशन चलो 2 घंटे चला है, पहले आधा घंटा आज के लिए, आधा घंटा कल के लिए, 4 दिन पढ़ोगे चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको टाइम मैं इसलिए कम बोल रही हूँ 1.5 2 घंटे, क्योंकि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना है, इंग्लिश हिंदी मराठी जो लैंग्वेजेस हमने देखे ही नहीं वो भी हमको करने हैं, तो तुम बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते एक सब्जेक्ट को। सो स्टार्ट विद दिस, 1 2 घंटे 1 2 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में हम लोग रेस्पिरेशन सर्कुलेशन, और लास्ट के 2 दिन में या 1 दिन में तुम्हारा प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिशन हो जाता है। ये पूरे चैप्टर में सिर्फ प्लांट के 5 हॉर्मोन्स है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। पोस्ट दैट जब आप नेक्स्ट वीक पे जाते हो तब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट वेटेड चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बिकॉज ये चैप्टर बहुत वास्ट है, ब्रेन है, क्रेनियल नर्व्स है, एंडोक्राइन सिस्टम है, बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, राइट। इसके साथ मैं आपको एकदम छोटा चैप्टर दे रही हूँ जो 1.5 पेज का है। इसका वीडियो आप देखोगे 20 मिनट्स में चैप्टर खत्म हो जाता है, 20 मिनट्स मैक्सिमम, राइट। तो ये दो चैप्टर्स आपको करने हैं, यस। अगर आपको ये करके भी बीच में टाइम मिलता है, चलो मेरे पास 7 दिन है मैम, 5 दिन में खत्म हो गया, तो रेस्पिरेशन सर्कुलेशन की रिविजन ले लो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिविजन बढ़ता जाएगा, यस। वंस दिस इज डन यू कम टू द नेक्स्ट ईयर 2022 जनवरी। यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक वास्ट चैप्टर है वो, और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फिर से 1.5 पेज 2 पेज है सिर्फ, ठीक है, हार्डली आधा घंटे का चैप्टर है, आधे घंटे का वीडियो है, उतना करना है। रिप्रोडक्शन प्लांट बहुत डिटेल में मैंने आपको, देखो जब चैप्टर देख रहे हो बहुत बड़ा चैप्टर दे रही हूँ जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और एक छोटू चिल्लू मिन्नू चैप्टर दे दू जो आपको हेल्प करेगा, राइट। इसके बाद 9th वाले वीक में जब जाते हो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये चैप्टर 5 दिन लेगा, ट्रस्ट में 5 दिन लेगा, 1 दिन मेल 1 दिन फीमेल सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पोस्ट प्रेगनेंसी एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आर्ट और गिफ्ट, वो सब 5 दिन लेगा। और बचे हुए 2 दिन आपको लगेंगे एनहांसमेंट और फूड प्रोडक्शन। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादा बनते जाएंगे, राइट। तो इसीलिए वो टॉपिक मैंने आपको यहाँ दिया ताकि आपको सिर्फ वो बाय हार्ट करना है, एक टेबल बनाना है। मेरे वीडियोस में ऑलरेडी मैंने वो बनाया हुआ है, क्योंकि इडली बनाने के लिए ये बैक्टीरिया, इसके लिए ये बैक्टीरिया, और पढ़ाते टाइम मैंने वीडियोस में वो भी बोला है कि कौन सा बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यस। वंस दिस इज डन, देखो हम लोग ने ऑलरेडी 8 चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है, आधा सिलेबस हो भी गया, एंड ट्रस्ट मी बायो का लोड भी नहीं लगेगा, है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट वीक, वीक 6 और 7 पे। यहाँ पे आप पढ़ोगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वास्ट चैप्टर है, और उसके साथ मैं आपको दे रही हूँ एवोल्यूशन। अभी यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन का एक एक पेज आपको करना है, और एक छोटा सा पार्ट है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का जो थियोरटिकल है, जो रटना है, इसलिए ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के साथ दे रही हूँ,
क्योंकि इनहेरिटेंस वेरिएशन में ज्यादा बाय हार्ट करने जैसा नहीं है, सिर्फ स्क्वायर्स प्रैक्टिस करने हैं, पनेट स्क्वायर्स प्रैक्टिस करने हैं। सो यू विल बी डूइंग दैट विद ह्यूमन एवोल्यूशन वाला चैप्टर। 23rd वाले वीकेंड में आते हैं मोस्ट ड्रेडेड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में ये सब चीज समझाई है, और ये चैप्टर के साथ मैं आपको दे रही हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो बहुत बेसिक जनरल नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, स्टोरी बुक के जैसा ये चैप्टर है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस पे आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का वेटेज वैसे ही 3 मार्क का है, बट ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन क्या है, नटालिटी क्या होती है, राइट, उसके अलावा अडेप्टेशन पे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। यस, देन वी गो टू द लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड द फर्स्ट वीक ऑफ फेब। यहाँ पे करोगे बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि लोगों को ये जल्दी समझ में नहीं आता है, जिन्होंने ये चैप्टर अभी तक देखा ही नहीं है। बाकी सिलेबस होता है, फिर इसको हाथ लगाओ, डायरेक्टली ये चैप्टर में मत घुसो। इसका वेटेज 5 मार्क का है, नहीं हाथ लगाते हो तो भी बाकी चैप्टर से आपका 95 का टारगेट हिट होता है, राइट। जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, जिन्होंने ये पहले किया है, वन शॉट देखो और इजी लगेगा चैप्टर। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस बनाती रहूंगी मैं, वो करते जाओ। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स रटो, उतना याद करो, उतना पढ़ के जाओ, डायग्राम्स करो। प्लीज डायग्राम्स लास्ट डे के लिए मत रखो, बहुत सारी डायग्राम्स है बायो की बुक में, और जितने डायग्राम्स प्रैक्टिस करोगे उतना बायो का स्कोर अच्छा आता है। मैं आपको ये इतना वीडियो बना के इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को बायो में 98 थे मेरे 12th में, तो आई नो हाउ टू क्रैक बायो। यस, आई नो हाउ टू क्रैक ग्रेड 12। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो वर्क होती है। फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, इसमें से इविल क्वार्टर जैसा क्वेश्चन आता है, इन सीटू एक्सीटू, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वीडियो आपको अवेलेबल है, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स। फाइनली आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, बड़ा चैप्टर है, वेटेज 3 मार्क। तो स्टार्टिंग में उसका लोड मत लो, स्टार्टिंग में उसकी स्ट्रेस मत लो, पहले अपने मार्क्स कवर करो, फिर ये लेंथी लो वेटेड चैप्टर्स के पास जाओ, राइट। तो बाय द एंड ऑफ 12th फेब गाइस, अगर आप लोग देखो 12th फेब तक आपका बायो खत्म हो जाता है, एंड इजी, सिर्फ 2 चैप्टर्स, एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर, बहुत सिंपल वे में 12th तक खत्म हो जाता है। आगे क्या करें, राइट, आगे भी तो करना है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड रिविजन। क्या करोगे सेकेंड रिविजन में, रोज मुझे 2 घंटे, अभी रोज 2 घंटे देने हैं। अब अगर कंटिन्यूअसली 2 दिन 3 दिन बायो पढ़ते हो, वेरी गुड, मैंने आपको बोला है 15 घंटे के वन शॉर्ट्स है, 15 चैप्टर 15 घंटे, तो 15 घंटे आप 3 3 3 या 5 5 5 जैसे आपको जमता है, राइट, 3 दिन हफ्ते भर करो या रोज एक एक ही देखो आपका, राइट, बट गो थ्रू दोज वीडियोस, ताकि एक क्विक और थरो रिविजन हो जाती है। जब आप ये पढ़ रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, मेक द फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स में जो वर्ड्स लिखती हूं मैं, उसका वेटेज होता है, वो वर्ड्स देख के आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। सो प्लीज वो फ्लो चार्ट पहले रिविजन में भी बनाते जाओ, बायो की बुक बना लो उसमें ये करते जाओ, और सेकेंड रिविजन में फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करो, जोर जोर से आंसर्स बोलते बोलते फ्लो चार्ट बनाते जाओ, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। आपने मेरे रिविजन्स देखे हैं रिविजन सीरीज में, फटाफट 5 मिनट में मैं पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिखाती हूँ, मेगास्पोरोजेनेसिस 5 मिनट लगते हैं। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दैट विल कम विद प्रैक्टिस। पहला रिविजन अच्छे से हुआ, सेकेंड रिविजन ईजी होगा। पहले रिविजन में ही अपने फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, की वर्ड लिखना स्टार्ट करो, सेकेंड में कम टाइम लगेगा। पहली बार आपको 3 घंटे लग रहे, वो चैप्टर सेकेंड टाइम में 1.5 घंटे में हो जाता है, राइट। एंड वंस यू आर डन, चैप्टर वाइज PYQs देखो फ्रॉम द लास्ट 10 इयर्स, सैंपल पेपर्स, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। हर एक दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 14 डे वैलेंटाइन वाले दिन पे दिल का चैप्टर पढ़ेंगे, अगले दिन दिमाग ठिकाने पे आ जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। यस, हर एक दिन के लिए मैंने आपको टोटल टाइम टेबल बना के दिया है। अगर चैप्टर बहुत छोटे हैं, जैसे ये मैंने एक दिन पे डाल दी है, सो यू डोंट वेस्ट टाइम, 15 मिनट पढ़ने का जरूरत नहीं ना,
तो यहां पे आपको ऐसे पढ़ते जाना है, और जब आप पढ़ते हो तो एक बार में 40 मिनट्स 45 मिनट्स का टारगेट रखो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट 40 45 मिनट्स, फिर 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लो, अगला ब्रेक 10 मिनट का बना दो, ठीक है, फिर नेक्स्ट 40 45 मिनट्स 15 मिनट का ब्रेक लो। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। एक साथ 4 घंटे कोई नहीं बैठ सकता, बट अगर आप ये बीच बीच में 5 5 मिनट के ब्रेक्स डालोगे, ट्रस्ट मी दिस विल बिकम वेरी इजी, राइट। फाइनली आपका लास्ट रिवीजन होगा, जो थर्ड रिवीजन होगा बिफोर योर एग्जाम्स। एग्जाम की एग्जैक्ट डेट आएगी तो हमको और आइडिया आएगा कि कितना ब्रेक डाउन करना है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, सारे वन शॉट्स है हर एक चैप्टर के लिए, मैंने आपको टाइमलाइन के साथ दे दिए हैं। उसके अलावा और भी वीडियोस आते रहेंगे टू हेल्प यू इन योर ग्रेड पर। सो लेट्स क्रैक बायोलॉजी। Thank you so much for watching the video.